yes welcome students again in my youtube channel kindly subscribe my channel and press the icon button for the further notification today we will study the chapter 6 which is banking it is the part of the chapter 5 money and banking but here we study both the topics separately chapter wise but according to cbse these are the same topic then under this chapter in this chapter we will study some important point Number first, money creation by commercial bank, which I told you in the previous chapter. Then, what is the money creation? It is the loan activity by the bank, checkable loan. Then, we will study detail. Number second, the central bank meaning and function. The central bank, which is RBI in India. Then, we will study the meaning and the function of the RBI. Then, third point, control of money supply by the central bank. जो कंट्रोल है मनी सप्लाई पे आरबीआई का जो इंस्ट्रूमेंट है चाहे वो फिस्कल पॉलिसी हो चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो इसी में थोड़ा सा कुछ काट छाट सी बी एस ने सेलेबस में किया है जो उसका भी मैं जल्दी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा थर्टी परसेंट डिडक्शन इन सेलेबस बाय सी बी एस ई लेट्स स्टडी द फर्स्ट हेडिंग मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट द कमर्शियल बैंक आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था हु आर द मनी सप्लायर इन अवर कंट्री तो उसमें फर्स्ट आर था फिर गवर्नमेंट था एंड देन कमर्शियल बैंक ऑल द बैंकिंग सिस्टम इन अवर कंट्री देन वहाँ मैंने बताया भी था वाई द कमर्शियल बैंक आर कोल्ड मनी सप्लायर बाय द वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन तो वही हमको यहाँ पढ़ना है डिटेल में अनलाइक द सेंट्रल बैंक द कमर्शियल बैंक डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी आरबीआई के पास तो नोट छापने का अथॉरिटी होता है वो गवर्नमेंट के बिहाव पे दौर पर और उससे ज़्यादा वैल्यू के सारे नोटों को इशू करता है आरबीआई। बट कमर्शियल बैंक डोंट हैव द अथॉरिटी टू इश्यू द नोट देन वाई दे आर कॉल्ड मनी सप्लायर वो मनी क्रिएशन के वे है दे कैन नॉट इश्यू नोट और क्वाइंस येट दे आर द सप्लायर ऑफ द मनी एज दे क्रिएट मनी बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट क्योंकि वो डिमांड डिपॉजिट में से एक पर्टिकुलर हिस्सा अपने पास रख के और बाकी को लोन एक्टिविटी में देते हैं वो लोन चेकेबल होता है ठीक इन द प्रजेंट प्रजेंट चैप्टर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक हाउ एग्जैक्टली द कमर्शियल बैंक बैंक्स क्रिएट मनी अब ये मन मनी को कैसे क्रिएट करते हैं बैंक इसको देखेंगे प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक बड़े ध्यान से बारीकी से समझिएगा फॉलोइंग ऑब्जरवेशन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक ये आपके स्टेप बाइज स्टेप हैं नंबर फर्स्ट आता है आपके पास इसमें बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीप एल दीज आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट वैन वी विजिट टू द बैंक एंड डिपॉजिट अवर मनी देन इट इज़ प्राइमरी डिपॉजिट एंड फॉरअस इट इज़ डिमांड डिपॉजिट वी कैन क्रिएट अ डिमांड फॉर दिस मनी एनी टाइम बैंक कॉन्ट डिनाई हम कभी भी इस पैसे को निकलवा सकते हैं बट इन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट मतलब जो हम वहाँ जमा कराते हैं वो हमारी प्राइमरी डिपॉजिट होती है ठीक है सेकेंड है बैंक लैंड मनी मैनी टाइम मोर देन देर कैश रिजर्व जो बैंक के पास कैश रिजर्व होता है उससे कई गुना ज़्यादा वो पैसे को लैंड उधार दे देते हैं कैसे देते हैं यही समझना है मतलब अगर बैंक के पास दस हज़ार रुपये का प्राइमरी डिपॉजिट है तो वो बैंक उससे एक लाख रुपए तक का लोन दे सकता है कैसे देगा ये इस चैप्टर में समझेंगे इसीलिए उनको मनी सप्लायर बोला जाता थर्ड मनी इज़ लैंड बाय द कमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश ये वही बात आ गई कभी भी बैंक कैश में आपको मनी लैंड नहीं करेगा लोन पे पैसा नहीं देगा वो सिर्फ चेक इशू करता है बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट ऑफ द बोरोअर दीज क्रेडिट एंट्रीज़ आर नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट अब जब लोन का चेक इश्यू होता है किसी के नाम तो वो पर्सन उस लो उस चेक को अपने अकाउंट में लगाएगा जब वो अपने अकाउंट में लगाएगा तो उसके पासबुक में उसके खाते में जो एंट्री होगी जो क्रेडिट होगा जो डिपॉजिट होगा वो सेकेंडरी डिपॉजिट होगा प्राइमरी डिपॉजिट तो आपने जो सेविंग अकाउंट में जमा कराया करंट अकाउंट में कराया आर डी में करवाया वो होगा बट सेकेंडरी डिपॉजिट जो लोन का चेक आपने अपने अकाउंट में लगाया वो भी क्रेडिट है पैसा आपके अकाउंट में है उसको सेकेंडरी डिपॉजिट बोलेंगे फोर्थ आता है द बोरो कैन ईशू चेक अगेंस्ट क्रेडिट इन दियर अकाउंट्स और जो बोरो है जब उसके खाते में लोन का पैसा आ जाता है डिपॉजिट हो जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट तो सेकेंडरी डिपॉजिट के अगेंस्ट भी वो चेक इशू कर सकता है इट मीन बोरोअर कैन ईश्यू द चेक अगेंस्ट द सेकेंडरी डिपॉजिट द बोरो कैन इशू द चेक अगेंस्ट क्रेडिट मतलब लोन इन दियर अकाउंट्स या सेकेंडरी डिपॉजिट पे द चेक्स कैलकुलेट इन द इकोनॉमी एज मनी और जो चेक है सर्कुलेट सॉरी द चेक सर्कुलेट इन द इकोनॉमी एज अ मनी और पूरी इकोनॉमी में जो चेक का सर्कुलेशन होता है पहले बैंक ने लोन का चेक दिया फिर बोरोअर ने चेक आगे इश्यू किया तो ये चेक का सर्कुलेशन होता है इकोनॉमी में याद रखना है छोटे छोटे एम सी क्यू क्वेश्चन फिल इन द्लैंक्स आ सकते हैं नंबर फिफ्थ पॉइंट है प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इज इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट चाहे वो प्राइमरी डिपॉजिट हो चाहे सेकेंडरी डिपॉजिट हो ये दोनों मिला के डिमांड डिपॉजिट होता है इसका मतलब जब लोन का चेक इश्यू होता है तो डिमांड डिपॉजिट बढ़ जाता है क्योंकि वो भी किसी के अकाउंट में जाने वाला है ठीक अब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है वो डिपॉजिट जिनके अगेंस्ट आप चेक इश्यू कर सकते हैं या कभी भी उसकी डिमांड कर सकते हैं तो डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द प्यूपिल इन द कमर्शियल बैंक तो जो टोटल डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द प्यूपिल है कमर्शियल बैंक में वो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट के बराबर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको याद रखें यस नेक्स्ट आता है सिक्स पॉइंट टोटल डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक आर मेनी टाइम्स मोर देन कैश रिजर्व जो कैश रिजर्व बैंक के पास होता है उससे कई गुना ज्यादा टोटल डिमांड डिपॉजिट होता है बैंक में कैसे होता है ऑफ द कमर्शियल बैंक दिस इज बिकॉज द कमर्शियल बैंक नो That all the depositor would not show up in the bank to withdraw all their deposit by the way of cash. Malab. बैंक जो है हमारे इंडियन जो बैंकिंग सिस्टम या अदर कंट्रीज़ में वो इसी एक एजम्शन पे काम करते हैं कि सारे के सारे जो अकाउंट होल्डर हैं किसी पर्टिकुलर डे बैंक नहीं आएंगे एक साथ और एक साथ आकर वो अपना पैसा निकालना नहीं चाहेंगे मतलब कुछ पे लोग पैसा निकालने जाते हैं और कुछ जमा करवाने जाते हैं तो बैंक वहाँ अपना काम चला लेता है वॉलेट कैश के जरिए जो कैश होता है बाकी तो उसने लोन पर दिया है अगर सारे लोग एक साथ एक दिन जाके अपने पैसे की डिमांड करेंगे तो बैंक को ना कहना पड़ेगा कि इतना पैसा हमारे पास नहीं है ठीक तो ये चीज़ें यह ब्रैकेट में लिखा होता बाय द वे ऑफ दियर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस मतलब बैंक ये काम कैसे करता है उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके आधार पे कि ऐसा कभी हुआ नहीं है तो इन फ्यूचर भी ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे बैंक होल्ड जो अकाउंट होल्डर जाके कहलाओ हो हमारा पैसा दे दो यस नंबर सेवन थे इस एक्सपीरियंस शोज दैट विड्रोवल्स आर जनरली अराउंड टेन परसेंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट और ऐसा देखा गया है कि जो विद्रोवल है डेली जो लोग पैसा निकालते हैं वो जितनी डिपॉजिट है उसका सिर्फ टेन परसेंट ही लोग निकालते हैं द बैंक नीड टू कीप ओनली टेन परसेंट ऑफ डिपॉजिट्स एज कैश रिजर्व तो बैंक को सिर्फ टेन परसेंट ही रखना पड़ता है अपने पास जैसे आपने वन लाख रुपीज़ जमा करवाया तो बैंक उसमें से टेन थाउजेंड रुपीज़ अपने पास कैश रख के नाइन्टी थाउजेंड का लोन दे सकता है इस एग्जांपल मतलब इस पॉइंट का जो एग्जांपल है मैंने समझाया टेन परसेंट वन लैख का कितना हुआ टेन हो जाएगा यस नंबर एट ऑल डिमांड डिपॉजिट्स सर्व्स एज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी सारी की सारी जो डिमांड डिपॉजिट है हेल्ड बाय द पीपल सर्फ एज मनी सप्लाई जो टोटल डिमांड डिपॉजिट है कल भी पढ़ लिया था मनी सप्लाई का पार्ट होता है इन द इकोनॉमी जस्ट लाइक कैश हेल्ड बाय द पीपल और जो लोगों के पास कैश है और उनका डिमांड डिपॉजिट ये दोनों को दोनों जो हमारे मनी सप्लाई के पार्ट होते हैं सॉरी स्क्रीन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ठीक तो ये आपको याद रखना है जैसे उनमें मनी सप्लाई इज इक्वल टू तो क्या था सी सी प्लस सी प्लस ओ डी 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 तो C तो कैश इन हैंड था लोगों के पास और डी डी डिमांड डिपॉजिट जो बैंक में होता है फिर पॉइंट नंबर नाइन आता है डिमांड डिपॉजिट सर्विंग एज मनी सप्लाई इज़ कॉल्ड बैंक मनी जो डिमांड डिपॉजिट हैं जो सर्विंग एज अ मनी सप्लाई सर्व करता है मार्केट में इज कॉल्ड बैंक मनी वो बैंक का मनी होता है जो लोन के जरिए मार्केट में होगा दिस इज मनी क्रिएटेड बाय बैंक ये बैंक के द्वारा क्रिएट किया गया मनी है बिकॉज दिस इज सर्कुलेटिंग इन द सिस्टम नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश क्योंकि ये पैसा कैश के फॉर्म में सर्कुलेट नहीं होता ये चेक के फॉर्म में सर्क्यूलेट होता है बिकॉज दिस इज द दिस इज सर्क्यूलेटिंग इन द सिस्टम नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ चेक्स इश्यूड बाय बैंक टू द होल्डर्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट जो डिमांड डिपॉजिट होती है उस पर चेक जो इश्यू होते हैं, वो होता है ये पैसा मतलब बैंक ने पहले चेक में लोन दिया लोन का चेक उस पर्सन के अकाउंट में लगा जब उस अकाउंट में लगा तो वो उस अकाउंट से जो पैसा है उसका चेक इशू करेगा आगे तो ये जो चेक से सर्कुलेट होता है पैसा अब क्योंकि चेक तो किसी पर्सन के पास रहेगा नहीं वो तो किसी ना किसी बैंक में डिपॉजिट होगा मतलब लोन आपने लिया है इस बैंक से लिया उस बैंक में जमा हो गया तो एक्चुअली वो पैसा बैंकिंग सिस्टम के पास ही रहा है पर वो बढ़ गया अलग अलग अकाउंट में चढ़ता है सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो काइंडली ऑब्जर्व दम केयरफुली आप इसको पढ़ें अपनी प्रॉब्लम पढ़ें अब आते हैं कि इलिस्ट्रेशन है नाउ कम्स टू द इलिस्ट्रेशन लेट अस इलिस्ट्रेड द प्रोसेस ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी वी एज्यूम्ड सिम्पलिसिटी मतलब इस एग्जाम्पल को सिंपल बनाने के लिए हमने किया लिया फर्स्ट दियर इज अ सिंगल बैंकिंग सिस्टम मतलब पूरे इकोनॉमी में एक सिंगल बैंकिंग सिस्टम है एंड इनिशियली द बैंक रिसीव डिपॉजिट ऑफ वन थाउजेंड हमने माना कि बैंक के पास जो प्राइमरी डिपॉजिट है वो वन थाउजेंड रुपीज़ का आता है ये आपने यहाँ इस एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन को सिंपल बनाने के लिए दिया और पूरे कंट्री में सिर्फ एक बैंकिंग सिस्टम है सेकेंड है सी आर आर इज इक्वल टू टेन परसेंट अब सी आर आर क्या होता है देखो सी आर आर का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो ठीक इट इज़ डिसाइडेड बाई आर बी आई आर बी आई इसको डिसाइड करता है और सी आर आर जो टेन परसेंट है ये टोटल जो डिमांड डिपॉजिट है मतलब जो बैंक में पैसा जमा कराया उसका टेन परसेंट कमर्शियल को अपने पास हेल्ड करना पड़ता है जो कि आर के पास जाता है आप ये मान लें कमर्शियल बैंक टोटल जो डिपॉजिट है उसका टेन परसेंट आर के पास रखता है एज अ सिक्योरिटी रीज़न जैसे दस हज़ार रुपये जमा कराया तो इसका टेन परसेंट निकालेंगे तो वन थाउजेंड रुपीज़ आएगा तो वन थाउजेंड रुपीज़ कमर्शियल बैंक आर के पास रख देगा अब बचे नौ हज़ार रुपये उस नौ हज़ार रुपये में से वो लोन एक्टिविटी करेगा ठीक है तो सी कैश रिजर्व रेशियो कई बार इसको आर आर भी बोल देते हैं रिजर्व रेशियो भी ये आर डिसाइड करता है कमर्शियल बैंक इसको कट करके लोन देते हैं जैसे एक हज़ार में से एक हज़ार रख के नौ हज़ार रुपये का लोन इशू करेंगे बैंक और ये हजार रुपये आर के पास रहेगा सी आर आर इजिकल टू टेन परसेंट लिया एंड इट डज नॉट चेंज दिस रिफ्लेक्ट कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक एज द परसेंटेज ऑफ देयर डिमांड डिपॉजिट ये डिमांड डिपॉजिट का जो परसेंटेज है उनको रखना है ठीक है ये आर के नॉर्म्स होते हैं टेबल वन शोज हाउ द सिस्टम वुड वर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ मनी इस टेबल से पता चलता है कि ये सिस्टम क्रेडिट क्रिएशन में कैसे काम करेगा तो देखे फर्स्ट राउंड में ध्यान से देखेंगे फर्स्ट राउंड में वन थाउजेंड रुपीज़ जमा हुए ठीक अब वन थाउजेंड रुपीज़ में से जब आपने टेन परसेंट निकाला तो हंड्रेड रुपीज़ आया सॉरी मैं इसको वन थाउजेंड बोल गया था ऊपर तो वो हंड्रेड रुपीज़ आएगा ठीक है टेन थाउजेंड का निकालते ना तब वन थाउजेंड आता तो जब आप वन थाउजेंड का टेन परसेंट निकालेंगे तो हंड्रेड रुपीज़ आएगा तो हंड्रेड रुपीज़ तो यहाँ कैश रिजर्व रख लिया नौ सौ रुपये बचें अब ये नौ सौ रुपये सेकेंडरी डिपॉजिट हो गया मतलब इसका लोन दिया गया अब नौ सौ रुपये का चेक इश्यू किया लोन के लिए तो जिसने लोन लिया उसने अपने अकाउंट में इसको डिपॉज़िट कराया नौ सौ रुपये क्रेडिट हुए उसके अकाउंट में अब उसके अकाउंट में भी ये प्राइमरी डिपॉजिट है क्योंकि वो चेक इशू कर सकता है तो अब बैंक क्या करेगा सेकंड राउंड में जो दूसरा बैंक है फिर वो सीआरआर रखेगा टेन परसेंट तो उसने नाइन हंड्रेड का टेन परसेंट निकाला तो नाइन्टी रुपीज़ उसने रखे तो उसका जो बाकी बैंक के पास पैसा बचा वो एट हंड्रेड टेन रुपीज़ हुआ अब दूसरा बैंक फिर आठ सौ दस रुपये का लोन इशू करेगा उसका चेक इशू करेगा जो तीसरे राउंड में जाएगा तीसरे पर्सन के पास तो आठ सौ दस रुपये का लोन इशू हुआ ये भी चेक के फॉर्म में हुआ फिर उसने अपने अकाउंट में इस चेक को लगाया उस अकाउंट में फिर ये सेकेंडरी डिपॉजिट होगा और डिमांड डिपॉजिट होगा फिर तीसरा बैंक वापस इसमें से टेन परसेंट रखेगा जो कि एट हंड्रेड टेन का जब आप टेन परसेंट कैलकुलेट करेंगे मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ एट हंड्रेड टेन इंटू टेन अपॉन हंड्रेड ऐसे टेन परसेंट निकलेगा दो जीरो आपने कट किया तो एट्टी वन रुपीज़ आता है तो अब ये जो थर्ड राउंड में बैंक है एट्टी वन रुपीज़ रखेगा सी आर आर और सेवन ट्वेंटी नाइन रुपीज़ उसके पास रहेंगे अब जो थर्ड राउंड में जो लोन इश्यू होगा वो सेवन ट्वेंटी नाइन का होगा और ये चलता रहेगा प्रोसेस कब तक चलेगा जब तक ये टोटल सी आर आर आपने टेन परसेंट लिया था अब ये टोटल का जब आप टेन परसेंट निकालेंगे अब इस तरीके से जो टोटल डिपॉजिट आपके एक लास्ट में क्या हो जाएगा टेन थाउजेंड अब आप टेन थाउजेंड का टेन परसेंट निकालें तो क्या हो गया वन थाउजेंड विच इज़ इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट जो प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर हो गया तब तक ये मनी क्रिएशन चलेगा मतलब बैंक आगे लोन देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा बट जब ये टोटल डिपॉजिट आपके पास टेन थाउजेंड हो जाता है और टेन थाउजेंड का टेन परसेंट वन थाउजेंड निकल के आता है जो प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर आ जाता है तब आपके पास ये लोन एक्टिविटीज़ का प्रोसेस बंद हो जाएगा ठीक तो यहाँ पे ये टेन थाउजेंट हुआ डिपॉज़िट लोन आपके पास नौ हज़ार हो जाएगा और जो कैश रिज़र्व है वन थाउजेंट हो जाएगा तो जब आप लोन और कैश रिज़र्व को जोड़ेंगे तो ये टेन थाउजेंड के बराबर आना चाहिए ये प्रोसेस क्रेडिट क्रिएशन है दोबारा एक बार मैं यहाँ समझा देता हूँ फर्स्ट राउंड में आपके पास जो प्राइमरी डिपॉजिट आया वन थाउजेंड सी आपने टेन लिया था वन का टेन निकालेंगे तो हंड्रेड रुपीज़ आपने रखा नौ सौ का लोन इशू किया नौ सौ का चेक इशू किया तो सेकेंड राउंड में मतलब दूसरे बैंक में नौ सौ रुपये डिपॉजिट हुए और ये दूसरे बैंक में जो सेकेंडरी डिपॉजिट था नौ सौ रुपये था ये भी डिमांड डिपॉजिट था इस पर दोबारा दूसरे बैंक ने टेन परसेंट कट किया जो एट्टी वन का टेन परसेंट जब आप निकालेंगे नाइन हंड्रेड का सॉरी नाइन हंड्रेड का जब आप टेन परसेंट निकालने जाते हैं तो वो कितना आएगा कैलकुलेट कर देता हूँ मैं टेन परसेंट दो जीरो आप कैंसिल कर दें नाइन्टी रुपीज़ उन्होंने रखा नौ सौ में से नब्बे रुपये कम करेंगे तो एट हंड्रेड टेन रुपीज़ बैंक के पास बचेंगे सेकेंड राउंड में फिर सेकेंड राउंड में वो एट हंड्रेड टेन का लोन देगा एट हंड्रेड टेन का लोन देगा तो थर्ड राउंड में एट हंड्रेड टेन का टेन परसेंट जो एट्टी वन है वो कटेगा सेवन ट्वेंटी नाइन रुपीज़ जो हैं ये थर्ड राउंड में जो है ये लोन इशू होगा इस तरीके से इशू होता जाएगा तो आप इसको फोर्थ फिफ्थ राउंड तक निकाल सकते ज़्यादा ना निकालें अब लास्ट में टेन थाउजेंड रुपीज़ इक्वल होना चाहिए क्योंकि टेन थाउजेंड का जो टेन परसेंट है वो वन थाउजेंड होगा ठीक सी आर आर चेंज भी हो सकता है फाइव परसेंट लेके कैलकुलेट कर सकते हैं बट एग्जाम्पल को सिंपल बनाने के लिए हमने यहाँ पर टेन परसेंट लिया था सी आर आर को और जब ये टेन थाउजेंड हो जाएगा तो आपके पास टोटल लोन का अमाउंट नौ हज़ार होगा और टोटल कैश रिजर्व वन थाउजेंड होगा और इन दोनों का सम टोटल हमेशा टेन थाउजेंड के बराबर आएगा आप ऐसा खुद का एक एग्जाम्पल बना के देख सकते हैं नीचे इसके जो पॉइंट आते हैं आप देखें इन द फर्स्ट राउंड बैंक रिसीव डिपॉजिट वन थाउजेंड हमने पढ़ लिया सेकेंड द कैश रिजर्व टू टेक द एबिलिटी लाइबिलिटी सॉरी लाइबिलिटी मतलब अब बैंक के पास पैसा आया है तो वो देने के लिए लाइबिलिटी हो गई ऑफ वन थाउजेंड लाइबिलिटी का मतलब होता है उधार अब बैंक ने वन थाउजेंड रुपीज जमा कराया तो बैंक उसको देगा तो ये वन थाउजेंड के बराबर आ गया इज इक्वल टू हंड्रेड हुआ बिकॉज कैश रिजर्व रिश्यू टेन था टेन परसेंट तो वन थाउजेंड का टेन परसेंट वन हंड्रेड हुआ इम्प्लाइंग दैट द बैंक हैव एग्जिस रिजर्व अब बैंक के पास वन थाउजेंड में से हंड्रेड तो निकाल दिया नौ सौ रुपये बच जाते हैं एग्जिस तो वो नेक्स्ट राउंड में नौ सौ रुपये का लोन देगा जब नौ सौ रुपये का लोन देगा वैन दीज एग्जिस रिजर्व आर लोन्ड आउट तो नौ सौ रुपये का डिपॉजिट ऑफ द बैंक नौ सौ रुपये का लोन होगा तो नेक्स्ट बैंक में नौ सौ का डिपॉजिट होगा फिर जो नेक्स्ट बैंक है द बैंक नीड टू होल्ड अगेन टेन परसेंट उसको रखना है तो नाइन हंड्रेड का टेन परसेंट निकालेगा तो नाइन्टी रुपीज़ वो रखेगा नौ सौ में से नब्बे रुपये घटा तो एट हंड्रेड टेन आएगा तो वो अगले राउंड में आठ सौ दस रुपये का लोन इश्यू कर देगा क्योंकि आठ सौ दस का एक्जेस है उसके पास एग्जेज मतलब टेन परसेंट रखने के बाद जो पैसा बचता है ना बैंक के पास वो एग्जेज होता है और हमेशा जो एग्जेज अमाउंट है सी आर आर रखने के बाद बस वही लोन में दिया जाता है तो नेक्स्ट राउंड में एट हंड्रेड टेन रुपीज़ का हो गया दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द टोटल डिमांड डिपॉजिट आर टेन थाउजेंड जब तक टोटल डिमांड डिपॉजिट टेन थाउजेंड नहीं हो जाता तब तक ये क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस चालू रहेगा एंड कैश रिजर्व वन थाउजेंड और बैंक के पास जो टोटल कैश रिजर्व था वो वन थाउजेंड हो जाता है ये आप ऊपर टेबल में देख रहे हैं मैं सर्कल कर रहा हूँ और टोटल लोन नाइन हो जाएगा इन दोनों को जोड़ोगे तो टेन के बराबर आएगा दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन आप इसको वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा होप यू विल आस्क योर प्रॉब्लम इफ़ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम येस स्टूडेंट्स जैसा आपने क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस ऊपर समझा अब इस एग्ज़ाम्पल में आपने एज्यूम किया था कि टेन परसेंट आपके पास सी आर आर है इनिशियल डिपॉजिट वन थाउजेंड था तो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कब तक चलेगा जब तक टोटल कैश रिजर्व बैंक के पास वन थाउजेंड मतलब डिमांड डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट के बराबर नहीं हो जाता या फिर मैं बोलूँ प्राइमरी डिपॉजिट क्योंकि प्राइमरी डिपॉजिट कितना था वन थाउजेंड मैं ऊपर आपको दिखा देता हूँ वापस एक बार अगर आप यहाँ देखेंगे ये फर्स्ट राउंड में जो डिपॉज़िट था प्राइमरी डिपॉज़िट ये वन थाउजेंड के बराबर है तो आपका कैश रिजर्व जब तक वन थाउजेंड नहीं हो जाता तब तक क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस चलेगा इट मीन्स आपको स्टार्टिंग में ये पता होता है कि जो आपका प्राइमरी डिपॉजिट है उसी के बराबर कैश रिजर्व होगा तब क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस रुक जाएगा अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर इस तरीके से प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर कैश रिजर्व रेशियो जब होगा तब डिमांड डिपॉजिट टोटल कितना होगा इट डिपेंड ऑन सीआरआर क्योंकि इस एग्ज़ाम्पल में आपने टेन परसेंट लिया था तो अगर आपने टेन परसेंट लिया है और प्राइमरी डिपॉजिट वन थाउजेंट है अब एग्जाम्पल में आपने ऊपर देखा कि टोटल जो इसमें डिमांड डिपॉजिट क्रिएट किया वो टेन थाउजेंड था तो अब कैसे किया वो इस फॉर्मूले से किया जो कि ये आएगा ये फार्मूला होता है डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू वन अपॉन सी आर आर इन टू कैश रिज़र्व अब आपको पता है टोटल कैश रिज़र्व तो प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर होगा तो यहाँ तो आपने वन थाउजेंड लिखा सी आर आर आपने टेन परसेंट एज्यूम किया था तो सी आर आर की वैल्यू टेन परसेंट भरा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टेन परसेंट का परसेंटेज हटेगा और ऊपर जो वन लिखा हुआ है इसकी जगह कितना हो जाएगा दो जीरो आप और लगा देंगे अपॉन हो गया आपके पास टेन इंटू आपके पास है वन थाउजेंट अब आप इसको सॉल्व करें ठीक है तो वन जीरो से वन जीरो कट अब हंड्रेड इंटू हंड्रेड ये हो जाएगा आपके पास टेन थाउजेंट तो ये आपके पास डिमांड डिपॉजिट आ गया तो ये डिमांड डिपॉजिट का फॉर्मूला है बट याद रखना कैश रिजर्व प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर जब हो जाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा अब क्योंकि टेन परसेंट आपने सी लिया था तो डिमांड डिपॉजिट दस गुना हो गया ठीक अब डायरेक्ट आप मल्टीप्लायर निकालेंगे ना तो डायरेक्ट भी पता चल सकता है उसके लिए भी आगे मल्टीप्लायर आ जाएगा उसका फॉर्मूला सीधा सा है आप इस कैश रिजर्व को हटा दो वन अपॉन सी ठीक ये आपका मल्टीप्लायर हो जाएगा मैं मल्टीप्ला मनी मल्टीप्लायर लिख देता हूँ मल्टीप्लायर तो जैसे ही आप क्या करेंगे इसका कैलकुलेशन वन अपॉइंट टेन परसेंट तो वन अपॉइंट टेन परसेंट किया तो इसका मतलब क्या हो गया ऊपर तो हंड्रेड करेंगे परसेंटेज हटा के नीचे टेन जीरो से जीरो तो इसका मतलब टेन टाइम्स हो जाएगा तो आप डायरेक्ट भी वन थाउजेंड को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थाउजेंट आ जाएगा या फिर ये फार्मूला लगाएं यस समििंग अपी कैन से दैट मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक डिपॉजिट डि डिमांड्स सॉरी समिंग अप वी कैन से दैट मनी क्रिएशन बाय द कमर्शल बैंक डिपेंड्स अपॉन टू प्रिंसिपल फैक्टर इसके दो प्रिंसिपल फैक्टर हैं जिसपे डिपेंड करेगा फर्स्ट है कैश बैलेंस विद कमर्शल बैंक मतलब कमर्शियल बैंक के पास कैश बैलेंस कितना है विच दे कैन यूज एज दुशन मनी मतलब इमरजेंसी फंड जो है क्वेश्चन मनी मतलब इमरजेंसी फंड फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मतलब क्रेडिट क्रिएशन के लिए वो किस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं सीआरआर तो उनको कैश रखना ही होता है ठीक हाई हाइयर दीज कैश बैलेंस ग्रेटर द मनी क्रिएशन मतलब जितना ये कैश बैलेंस हाइयर होगा ग्रेटर द मनी क्रिएशन उतना ही मनी क्रिएशन ज़्यादा होगा और क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक कहने का मतलब सी को अगर आप बढ़ाते जाएंगे ना बे सी आर आर आप बढ़ाते जाओ तो मनी क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा सी आर आर को कम करेंगे तो बैंक के पास क्या होगा कैश ज़्यादा रहेगा मतलब जो सी आर आर है वो तो आर बी आई के नॉर्म्स में आर बी आई के पास चला जाता है बैंक के पास पैसा कम रह जाता है अगर बैंक के पास कम रहेगा सी आर आर बढ़ाते ही तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा ठीक तो सी आर आर अगर बढ़ेगा तो फिर क्रेडिट क्रिएशन कम होगा सी आर आर कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा करंटली शायद इंडिया में सी आर आर फोर परसेंट है नंबर सेकेंड पॉइंट है सी आर आर हाइयर देन सी आर आर लोअर द कैपेसिटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन मतलब हाइयर द सी आर आर दूसरा जो इसका फैक्टर है वो सी आर आर है सी आर आर ज़्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी लोअर हो जाएगी ठीक है यही मैंने बताया बिसाइड द सी आर आर कैश विच द कमर्शियल बैंक ऑट टू कीप मतलब ये रखना चाहिए इनको सी आर आर द बैंक में होल्ड एग्जीज रिजर्व अब सी आर आर के अलावा भी बैंक कुछ कैश अपने पास रखते हैं क्योंकि सी आर आर तो आर बी आई लेगा वॉलेट कैश होता है जिससे कमर्शियल बैंक डे टू डे ट्रांजेक्शन करते हैं जब आप पैसा निकलवाने जाए ए टी एम वगैरह में उस पैसे को डाला जाता है वॉलेट कैश होता है अब हायर द वॉलेट कैश अब वॉलेट कैश भी जब हाइयर होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा अगर बैंक ज़्यादा वॉलेट कैश रखने लग जाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा जब हाइयर द वॉलेट कैश लोअर वुड बी द कैपेसिटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन ठीक तो दो तरीके हो गए एक तो सी आर आर तो आर बी आई रखवाता है खुद और दूसरा वॉलेट कैश बैंक कमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखते हैं वो डेली कस्टमर को डील करने के लिए कोई पैसा निकलवाने आए तो उसमें से वो दे देते हैं अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपॉजिट जो फोकस जोन में है, ये मैंने आपको समझा दिया था फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ प्राइमरी डिपॉजिट आर कैश डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक बाय द पी दीज आर द पार्ट ऑफ द टोटल डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक मतलब प्राइमरी डिपॉजिट बैंक के पास वो डिपॉजिट होती है जो आम लोग जो जनरल जो पब्लिक है पीपीएल है वो अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं चाहे वो सेविंग अकाउंट में कराएं या करंट में कराएं तो ये अपने पास टोटल डिमांड डिपॉजिट का पार्ट होता है अब टोटल डिमांड डिपॉजिट का दूसरा पार्ट क्या होगा वो होता है सेकेंडरी डिपॉजिट ठीक बताया था ऊपर प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इज इक्वल टू टोटल डिमांड डिपॉजिट फिर आता है सेकेंडरी डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट विच एराइज एन अकाउंट ऑफ लोन्स बाय द बैंक टू द पीपल जो बैंक लोन देता है लोगों को वो लोन भी बैंक में जमा होता है क्योंकि वो चैकेबल लोन होता है चेक वो अपने अकाउंट में लगाएंगे वहाँ पैसा जमा होता है वो सेकेंडरी डिपॉजिट होता है दीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक अभी मैंने बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट ये दोनों मिला के डिमांड डिपॉजिट होते हैं टोटल इम्पॉर्टेंट टू नोट इट इज दैट वाइल प्राइमरी डिपॉजिट इंडिकेट सेविंग ऑफ द डिपॉजिटर प्राइमरी डिपॉजिट मतलब लोगों की सेविंग विद द बैंक सेकेंडरी डिपॉजिट इंडिकेट बोरइंग ऑफ द डिपॉजिटर फ्रॉम द बैंक सेकेंडरी डिपॉजिट ये बताता है कि इस आदमी ने बैंक से लोन लिया था वो पैसा इसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है मतलब आया है सेकेंडरी डिपॉजिट आर ऑल्सो कोल्ड डेरीवेटिव डिपॉजिट सेकेंडरी डिपॉजिट का दूसरा नाम डेरीवेटिव डिपॉजिट है याद रखें एम सी क्यू में आ सकता है टोटल डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक इस फॉर्मूले को आप अच्छे तरीके से याद रखें पहले भी आ चुका है अब आता है सी आर आर एन क्रेडिट मल्टीप्लायर सी आर आर और क्रेडिट मल्टीप्लायर मतलब कितने गुना क्रेडिट करेगा जैसे अभी आपने देखा टेन परसेंट सी आर आर लेने पर टेन थाउजेंड मतलब दस गुना उसने डिमांड डिपॉजिट क्रिएट किया तो उसी का फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया था वो देखते हैं इन इंडिया सी आर आर इज़ डिटरमाइंड नॉट बाय द कमर्शियल बैंक मतलब इंडिया में सी आर आर कमर्शल बैंक डिसाइड नहीं करते हैं अदर कंट्रीज़ में कमर्शियल बैंक ही सी आर आर डिसाइड कर लेते हैं बट इन इंडिया सी आर आर इज़ डिसाइडेड बाय अवर सेंट्रल बैंक आर बी आई आर बी आई डिसाइड करके देता है बैंक्स देम सेल बट बाय द आर बी आई हमारे यहाँ आर बी आई करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे फॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एल आर आर लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं जो कमर्शियल बैंक के वो बाउंड होते हैं इसको रखने के लिए क्योंकि आर की बात माननी पड़ती है इसलिए इसको एल भी बोलते हैं नाम याद रखना सी क्योंकि इंडिया में आर डिसाइड करता है इसलिए इसको एल भी बोला जाता है लीगल रिजर्व रेशा ऑल्सो द कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप द स्टूपलेटेड लीगल रिक्वायर्ड कैश रिजर्व नॉट विद दैम बट विद द आर इसका मतलब जो कमर्शियल बैंक के जो रिक्वायर्ड इनको जो पैसा रखना टू कीप द स्टूपुलेटेड मतलब जो लीगल रिक्वायर्ड कैश है इसको आर के पास रखते हैं ये मैंने पहले बता दिया अवकोर्स द बैंक कैन कीप एक्स रिजर्व जो एग्जेस रिजर्व है मतलब सी के बाद जो पैसा है वो बैंक रखेंगे एज वॉलेट कैश जैसे दस हज़ार में से एक हज़ार सी कट गया तो नौ हज़ार बचा उस नौ हज़ार में से कमर्शियल बैंक अपना वी मतलब वॉलेट कैश रिजर्व रखेंगे ठीक जो डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए होगा वंस सी आर आर इज नोन एज द फिक्सड बाय द आर बी आई वी कैन फाइंड आउट क्रेडिट मल्टीप्लायर एक बार आपको सी आर आर का परसेंटेज पता होता है जो आर बी आई ने बताया है तो हम ईजीली क्रेडिट मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर सकते हैं और द नंबर ऑफ आइटम द कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट पर यूनिट ऑफ दियर कैश रिजर्व विद द आर बी आई तो मतलब अगर आरबीआई डिसाइड करके सी बता देता है तो आप इजीली उससे कैलकुलेट कर सकते हो कि अब ये कितना परसेंटेज क्रेडिट क्रिएशन होगा ठीक आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा अपनी प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये टॉपिक yes, तो देता है अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्रेडिट मल्टीप्लायर इज फाउंड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अब जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है इसका फॉर्मूला है इसको आप याद कर लें के से जो मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट किया वन अपॉन सी आर आर सी आर आर परसेंटेज में लिखा जाएगा कि आपका मल्टीप्लायर होता है सी आर आर कैश रिजर्व जो आर बी आई डिसाइड करता है ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपने सी आर आर टेन परसेंट लिया था जब आप वैल्यू भरेंगे मैंने बताया परसेंटेज भरेंगे, भरेंगे परसेंटेज हटाते ही ऊपर हंड्रेड आएगा जीरो से ज़ीरो कैंसिल करेंगे आप ये एक जीरो तो टेन आ जाएगा इसका मतलब अगर प्राइमरी डिपॉजिट एक हज़ार है तो उसको टेन से मल्टीप्लाई कर दो टेन थाउजेंड के बराबर डिमांड डिपॉजिट हो जाएगा अगर पाँच हज़ार था तो फाइव थाउजेंड को टेन से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितने के बराबर हो जाएगा पाँच सौ रुपये था तो वो फाइव थाउजेंट हो जाएगा अगर पाँच हज़ार प्राइमरी डिपॉजिट है तो पाँच हज़ार इंटू टेन इजिकल टू फिफ्टी थाउजेंट हो जाएगा अब देखो मैं आपको सी आर आर चेंज करके कैलकुलेट करके बताता हूँ सपोज़ करो यहाँ पे टेन परसेंट की जगह अगर पाँच परसेंट सी लेते हैं ठीक या चार परसेंट लेता हूँ जो कि करंट इंडिया में तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर परसेंट ठीक तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हंड्रेड ऊपर हो गया और फोर नीचे हो गया आप इसको कैंसिल करेंगे तो ट्वेंटी फाइव हो गया इसका मतलब अगर प्राइमरी डिपॉजिट जो है आपके पास वन है तो वन थाउजेंट इंटू ट्वेंटी फ़ाइव कर दो आप तो इसका मतलब अगर चार परसेंट मैं सी आर आर करूँगा तो ये आपके पास पच्चीस हजार के बराबर लोन बैंक दे सकता है मतलब प्राइमरी जो डिपॉजिट है डिमांड डिपॉजिट वो क्रिएट कर सकता है यही मैं बता रहा हूँ सीआरआर जितना कम होगा बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बैंक की कमर्शियल बैंक की बढ़ जाएगी सीआरआर बढ़ाते जाओगे तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होती जाएगी क्रेडिट क्रिएशन का मतलब आप जानते हो कि लोन एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी सेकेंडरी डिपॉजिट कम हो जाएगा तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इट इम्प्लाइज दैट सी आर आर इज इक्वल टू टेन परसेंट देन द कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट मनी टेन टाइम्स ऑफ दियर कैश मतलब दस परसेंट से तो दस गुना कर सकते हैं अगर चार परसेंट कर दोगे तो पच्चीस गुना भी मैंने निकाला है टेन टाइम्स ऑफ द इयर कैश रिज़र्व विद द कमर्शियल सेंट्रल बैंक दस इफ़ कैश रिजर्व विज टेन थाउजेंट द कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट एज पर द फॉलोइंग तो ये अगर टेन थाउजेंड मैं कैश रिजर्व मानता हूँ तो टेन थाउजेंड इंटू वन अपॉन्ट टेन परसेंट तो ये वन लैख के बराबर हो जाएगा मतलब प्राइमरी डिपॉजिट अगर आपके पास दस हज़ार आ जाती है और टेन परसेंट सी आर आर से चलते हो तो दस गुना कर दो दस हज़ार का दस गुना एक लाख रुपये हो गया अभी मैंने आपको चार परसेंट से निकाल के बताया था तो पच्चीस गुना हो जाएगा नोट यहाँ पे एक नोट है दैट दिस इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द मनी दैट द कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट ये मैक्सिमम अमाउंट अमाउंट होता है जो कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन से क्रिएट कर पाते हैं गिवन दियर कैश रिजर्व दिस इज बिकॉज सी आर आर इज लीगली डिटरमाइंड बाई आर बी आई एंड द कमर्शियल बैंक मस्ट कम्प्ले कॉम्प्लाई विद इट और कमर्शियल बैंक को इसको मानना ही पड़ता है फोकस जोन में भी आपको सी आर आर का जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये आप इसको भी पढ़ लें ये फॉर्मूला आपको नहीं भूलना है ये जो प्रोसेस था ये सी आर आर क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक का कंप्लीट होता है आप अपनी प्रॉब्लम ज़रूर पूछेगा इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द सेंट्रल बैंक इन इट्स इट्स फंक्शन